हर हर महादेव। आज आदिशक्ति माँ काली माता मंदिर पनकी में यह महारुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन हो रहा है। हमारे आयोजक प्रभाकर सिंह चौहान, जो कि सुबह से लगे हुए हैं, लगभग दो दिन पहले से तैयारियां सारी कर रहे थे, और देखिए काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, अंदर भी हैं और सड़क पर भी लोग जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं भक्त लोग, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। हालांकि बीच बीच में संख्या कम हो जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग आने शुरू करते हैं, प्रसाद का आनंद लेते हैं। हमारे सभी सहयोगी लगे हुए हैं, सुबह से थक गए हैं इसलिए थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, और अभी ये आगे लगे रहेंगे। और ये देखिए पूड़ियाँ बराबर आ रही हैं बन बन के, सब्जी भी आ रही है, और भंडारे का जो प्रसाद है वो तो आप जानते हैं कितना स्वादिष्ट होता है। हमारे शुक्रान भाई देखिए खीर का वितरण कर रहे हैं, और हमारे नितिन भाई विशेष सहयोगी ये भी लगे हुए हैं सुबह से, और ये भी प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। सभी लोग भक्त आके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं पंडाल के अंदर, और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम मंदिर के अंदर चल रहा है। बराबर उतार चढ़ाव वाला रहा है, कभी धूप कभी बारिश। यह कार्यक्रम तो ये देखिए शिवलिंग की स्थापना के दो वर्ष पूर्ण होने महारुद्राभिषेक एवं भंडारा, आज यह महारुद्राभिषेक एवं भंडारा चल रहा है। और मैंने अभी प्रसाद चखा था, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है, सब्जी पूड़ी खीर, बहुत ही आनंद आया, और भी लोग आके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भजन का भी कार्यक्रम बराबर चल रहा है, भजन भी हो रहा है, श्रद्धालु लोग देखिए, महिलाएं माताएं बहनें भाई लोग सभी, बड़े बुजुर्ग सभी बैठकर यहाँ पर भजन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और रुद्राभिषेक चल ही रहा है बराबर। अब हम आपको जहाँ पर भंडारे की सामग्री बन रही है वहाँ पर लेके चल रहे हैं। ये देखिए सब्जी भगोने पे चढ़ी हुई है, दो भगोने चढ़े हुए हैं बराबर पे, और इधर ये देखिए पूड़ियाँ बन रही है, और ये देखिए पूड़ियों की व्यवस्था चल रही है बराबर। जैसे जैसे वहाँ पे ख़त्म होता जाता है यहाँ पर तुरंत तुरंत बनता जाता है बराबर। ये देखिए इतनी महंगाई होने के बाद भी यहाँ पर टमाटर में कोई कमी नहीं की जा रही है, तो उच्च गुणवत्ता वाला जो है प्रसाद बन रहा है। और प्रसाद की तो वैसे भी महिमा होती है, कैसा भी बने सब एक साथ होके ऐसा अनोखा बेमिसाल स्वाद आता है कि कुछ बताया नहीं जा सकता, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो सभी लोग देखिए बैठे हैं श्रद्धालु लोग, प्रसाद और भजन और रुद्राभिषेक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए शिवलिंग पर अभिषेक चल रहा है, बराबर मंत्रोच्चार के बीच में यह सारे सामग्री जो भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वह देखिए चढ़ाया जा रहा है, और श्रद्धा से भक्ति भाव से यहाँ पर लोग पूजा में लगे हुए हैं। अभी धीरे धीरे रुद्राभिषेक में काफ़ी समय लगता है, 3 से 4 घंटों में रुद्राभिषेक संपूर्ण हो पाता है, और भक्ति भाव से शिवलिंग पर बेलपत्र पुष्प धतूरे और भी बहुत सी जो सामग्री भोले बाबा पर चढ़ती है वह सब बराबर चढ़ाई जा रही है। हर हर महादेव, कितने अद्भुत शिव जी लग रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही बगल में बेल आइकन भी दबाएं। हर हर महादेव।